इतने लोग पूछ रहे कि बैटरी खराब हो गया तो क्या होगा। हमको पता नहीं क्यों टाटा के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, हम लोग इतना फास्ट चार्ज कर रहे हैं। दो तीन दिन से एक्चुअली एक चीज नोटिस कर रहे हैं। एक तो जैसे शाम होता है ना, सनसेट हो जाता है, तो सनसेट होने वाला होता है बारिश शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे रात होती है 8-9-10 बज जाते हैं तो और तेज बारिश हो जाती है। एंड वी बीन नोटिसिंग दिस पैटर्न फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। बहुत ही घटिया चीज है। हाँ, क्योंकि जो ये बारिश जिस स्पीड पे गिर रही है ना, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है। एंड दैट इज काइंड ऑफ कटिंग डाउन द डिस्टेंस जो हम कवर करना चाहते हैं, उससे पहले ही हमको रुकना पड़ जाता है। बट या मतलब एक और चीज है कि जैसे कोई सिटी पास में आती है, कोई बड़ी सिटी, तो रोड्स आर बिकमिंग वाइडर, तो एटलीस्ट योर स्पीड ऑल्सो गोज अप एंड यू कैन क्लियर इट फास्टर। वंस अगेन वेलकम टू कोची। तो फॉर सम रीजन कोची के अंदर के चार्जेस गाइस बंद है, तो मे बी कोई बारिश की वजह से कुछ इशू हुआ है, बिकॉज देयर आर मेनी चार्जेस इन कोची। तो अभी हम लोग अर्नाकुलम करके कोई एरिया है कोची के, कोची सिटी में नहीं जा रहे, बाहर से निकल के बाईपास करके अर्नाकुलम जा रहे हैं, विच इज़ हार्डली 15-16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो वो वाला चार्जर हम यूज़ कर रहे हैं। Big city, big roads and bigger traffics. बहुत देर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बट इसी बहाने अंदर से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट बार बार से कोची देख रहे हैं और एर्नाकुलम पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। एंड सिटी लुक्स वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल गाइज। सैड के इधर रुक नहीं पा रहे हम लोग, वी आर जस्ट मूविंग अहेड, बट समडे वी शुड कम बैक एंड एक्सप्लोर द सिटी। ऑलराइट, तो हम लोग कोची पहुंच गए थे और टाटा शोरूम में चार्ज कर रहे थे अपनी गाड़ी, और अभी चार्ज किया है 89%। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कैलीकट के लिए, कैलीकट कोझीकोड। सो वो हमारा आज का नाइट स्टे होगा, एंड इट वाज द लास्ट स्टे इन केरला फॉर अस, और उसके बाद में वील एंटर कर्नाटक एंड इवेंचुअली गोवा। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप इज gonna happen after that. So we're very excited for this particular, to cover this particular road for you guys, and all of the view and all this thing. Probably we'll have one episode, ek pura episode uske bare mein ban sakta hai shayad se. Ho sakta hai agar time mile to hum log wo view agar ke liye hum log thoda sa wo jagah pe ruk jaye aur acche se b-roll le paaye. Yes, and again an important route, kyunki Mangalore ke baad koi bhi fast charger nahi hai, ना कोई स्लो चार्जर लिस्टेड है। ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ये सीरीज आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि इफ यू वांट टू टेक दिस सीनिक रूट, जो भी साउथ के हमारे भाई लोग देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। यस, अगर आपको ये रूट लेना है देन यू हैव टू वॉच द वीडियो, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन टू योर चार्जिंग ऑन दिस रूट। और एक एक चीज जो हमको अभी पता चली, ज़ियोन वालों ने हमको बताया, bookings.com पे अगर आप होटल ढूंढ रहे हो तो आप फिल्टर में चूज कर सकते हो कि अगर वो होटल आपको चार्जिंग पॉइंट दे रहा है कि नहीं। दैट इज रियली अमेजिंग, दैट इज रियली अमेजिंग। आई एम थिंकिंग जब तक ये वीडियो आउट आने को, वीडियो आने को बहुत टाइम लगेगा, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, इसका वीडियो हम पहले ही बना के दे देंगे आपको। यस, ऑलरेडी वी विल पुट दिस प्रोबब्ली अ 10-second वीडियो, 1-minute वीडियो बना के हम छोड़ देंगे। यस, क्योंकि बहुत लोगों के हमको मैसेज आते हैं कि आप ढूंढते कैसे हो कि कहाँ पे चार्जिंग होगा।
probably the hotels listed are going to be expensive, but this is a good start. जैसे थोड़ा बढ़ते जाएगा, आई एम श्योर ओयो टाइप के होटल्स भी और जो बजट होटल है 1,000 रुपीज 2,000 रुपीज वाले भी ये वाले फैसिलिटीज ऑन कर देंगे. तो अगर आपने पता नहीं ये वीडियो देखोगे या जो पहले वीडियो आएगा वो देखोगे, बहुत मिसमैच हो जाता है. अभी भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि होटल्स आप कैसे चूज करते हो, तो हम लोग बेसिकली चार्जिंग देखते हैं कि कौन चार्जिंग कहाँ पे है, उसके बाजू में होटल हम सिलेक्ट करते हैं. हाँ, और सेकंड चीज वो होटल सिलेक्ट करने के बाद में होटल को कॉल करते हैं कि आप चार्जिंग दोगे क्या, क्योंकि एज वी टोल्ड यू वन स्लो चार्ज एटलीस्ट इन एवरी 2-3 फास्ट चार्ज मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द बैटरी. बहुत लोग बोलते हैं इतना फास्ट चार्ज कर रहे हो, हम एक्चुअली इतना ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं करते अनलेस एंड अंटिल कोई ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उसका ऑप्शन नहीं है. नहीं तो हम तो फास्ट चार्जर पे जाके भी स्लो चार्जर होता है वही यूज करते हैं ओवरनाइट. राइट. किसी होटल के बाजू में कोई फास्ट चार्जर और स्लो चार्जर दोनों एक साथ है, वी रादर यूज द स्लो चार्जर देन द फास्ट चार्जर. तो सो वी व्हाट वी डू इज के चार्जर के साथ में होटल ढूंढते हैं, होटल ढूंढने के बाद में होटल को कॉल करते हैं कि आप चार्जिंग दोगे क्या. हाँ बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने चार्जर तो है. हमको पता नहीं क्यों टाटा के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, हम लोग इतना फास्ट चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को कुछ हो गया तो टाटा कुछ करेगा. हो सकता है कि उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाए कि इतने लोग पूछ रहे कि बैटरी खराब हो गया तो क्या होगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में, हमको ना एक सब्सक्राइबर मिले थे, एक्चुअली हमको उनको बैंगलोर में वापस मिलना था बट बैंगलोर जा ही नहीं पाए. तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि हमें कि अगर बैटरी का लाइफ कार के हिसाब से कम हो गया है, बैटरी का रेंज आपको कम मिल रहा है, If you replace the battery pack with a new one, आप old one को as a inverter battery भी use कर सकते हो घर पे and it will charge your at least charge your car for 3-4 days. So that is something really shocking कि इसके ऊपर हमको रिसर्च करना है. इधर से उधर कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं, we are not sure. हाँ, मतलब रिसाइकल, अगर इस वे में रिसाइकल हो रहा है then it, और स्लीक बैटरीज है, अपने दूसरे बैटरीज जो बड़े बड़े होते हैं एंड लिथियम आयन एनी विच इज अ बेटर बैटरी देन एसिड बैटरीज और लेड बैटरीज भी है. तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट गाइस. नहीं तो एप्पल को भेज दो, एप्पल अपने फोन में बैटरी बड़ा नहीं रहा है, एप्पल को भेज दे रहा हूँ. वी कैन डू दैट. चलो सी यू इन कैलिकट. So we have entered Calicut and it's just 10 kilometers to our next destination. Yes, so 10 kilometers ke andar hotel pe pahunch jayenge and we'll call it a day naturally. But amazing drive guys. Narrow roads ka ek hai issue but frankly itna entertaining drive hai, itna makkhan roads hai के यू डोंट रिग्रेट लाइक यू नो उल्टा. इनफैक्ट आई राइट नाउ आई फील लाइक आई कैन डू अनदर 100 किलोमीटर्स ऑन दिस रोड. चलो मैं बोला फिर चलते चलो और 100 होटल बुक कर लिया अब क्या करें. आई कैन डू अनदर 100 किलोमीटर्स ऑन दिस रोड एंड द रीजन व्हाई स्टे वी हैव टू स्टे बैक बिकॉज वी हैव टू चार्ज द कार ऑल्सो. बाय द टाइम गाड़ी चार्ज होएगा फिर फुस हो जाएंगे हम लोग. 86% तक सिर्फ चार्ज हुआ था गाड़ी एंड आई गेस अराउंड 20% बैटरी रिमेनिंग में हम लोग पहुंच भी जाएंगे 20-19% बैटरी रिमेनिंग में. एंड अबाउट द रूट, रोड्स आर गुड एंड ऑल, छोटे रोड्स हैं, अच्छे रोड्स हैं. वन बेट इज के लास्ट 30 किलोमीटर्स में बहुत सारा अपहिल वगैरह है, मतलब क्लाइंब करना पड़ा था. तो व्हेन यू आर ड्राइविंग तो कीप दैट इन माइंड के ऑन द वे टू कैलिकट और कोझिकोड लास्ट 30 किलोमीटर्स यू माइट हैव टू रोड का एक फायदा क्या है, रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो बहुत सारे अच्छे कैफेज रेस्टोरेंट बहुत कुछ है. इवन विद कोविड रिस्ट्रिक्शंस एटलीस्ट क्योंकि आप सिटीज में तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं और ऐसे लेट नाइट हमारे जैसे चला रहे हो तो ये चीज़ आर सेवियर्स है जो
हाईवे वो सब मिलना आपको, और अच्छे अच्छे ऐसे भी नहीं, वेरी डिसेंट हाईवे के बाजू में तो खराब रहेंगे. इट इज वेरी एक्चुअली वेरी गुड. ये कैफेज वगैरह जो दिखते हैं थोड़े से मॉडर्न टाइप के, तो हम एक्चुअली एक दो पे रुके थे. इट इज एक्चुअली एक्चुअली वेरी गुड. एंड आई गेस मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ द रोड बीइंग नैरो एंड ट्रैफिक हो जाता है दिन के टाइम पे, जो हम आप लोगों ने देखा भी होगा आज सुबह जैसा था, तो पीपल आर एक्चुअली आई गेस लोग रात के टाइम पे ज्यादा ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं, करते हैं यहाँ पर. बिकॉज आई वी कैन सी मेनी कार्स ट्रैवलिंग एंड रनिंग अराउंड, तो दैट्स मे बी दैट्स द रीजन व्हाई ऑल दीज रेस्टोरेंट एंड कैफेज आर ओपन लेट एट नाइट ऑल्सो. तो अभी चलते हैं होटल. यस.